नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह है आस्तिक ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से हम मेनका अप्सरा रहस्य के बारे में बात करेंगे। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में मेनका अप्सरा भी थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उसके तपस्या से इंद्र घबरा कर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। उसकी कथा के अनुसार विश्वामित्र ने स्वर्ग की रचना के लिए जबरदस्ती मेनका को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया था और मेनका से विवाह कर लिया। उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला को छोटी उम्र में ही मेनका ने छोड़ दिया और स्वर्ग चली गई। शकुंतला जब बड़ी हुई तो उनका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। इन्हीं का पुत्र भरत कहलाया। मेनका इतनी सुंदर थी कि ये जहाँ भी जाती या किसी भी सभा में जाने पर वहाँ के लोग मेनका को पाने के लिए आपस में लड़ जाया करते थे। इसमें देव, दानव, मनुष्य सभी थे। मेनका की सुंदरता से बहुत सी अप्सराएं भी ईर्ष्या रखती थी। चिर यौवना मेनका के बारे में कहा जाता है कि इनकी साधना करने वाले साधक के अंदर आलस, सुस्ती, शरीर के रोग, जर्जरता, बीमारियां तथा बुढ़ापा समाप्त होने लगता है। ये तो शास्त्रों की बातें हो गई। अगर आज के कलयुग में देखा जाए तो इस साधना से जो अप्सरा के गुण होते हैं वो साधक के अंदर आते हैं, जैसे कि आकर्षक व्यक्तित्व, तेज से भरा चेहरा, हमेशा प्रसन्न रहना, शरीर और मन हमेशा चैतन्य रहना। आइए अब जानते हैं कि इस साधना से लाभ क्या मिलते हैं। स्त्री तथा पुरुष में आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। स्त्रियों में अप्सरा के सभी गुण आने शुरू हो जाते हैं। पुरुषों में यौन क्षमता बढ़ जाती है। स्त्रियों में भरपूर यौवन की प्राप्ति होती है। आपकी बातों में या हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण छुपा रहता है। यह एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं होता। बुढ़ापे को रोकने में मदद मिलती है। हीन भावना दूर कर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यौन क्षमता में वृद्धि होती है। स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। चेहरे का तेज यानी प्रभा मंडल चमकने लगता है। शरीर में आनंद, चेतना तथा स्फूर्ति बनी रहती है। अब जानते हैं मेनका अप्सरा साधना के नियम। इसकी साधना को कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। 18 वर्ष से लेकर 60-70 वर्ष तक के स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना किसी के मार्गदर्शन में ही करें। मंत्र का जाप हमेशा आंखें बंद कर करें। किसी जानकार गुरु से दीक्षा अवश्य ले लें। इनकी साधना बीच में न छोड़ें। स्त्रियों को मासिक धर्म के कारण 3 दिन की छूट होती है। साधना एक निश्चित समय पर ही शुरू करें। 10-15 मिनट आगे पीछे चल सकता है। साधना में उपांशु जाप का प्रयोग करें, यानी गुदगुदा कर जाप करें। आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, जल्दबाजी न करें। साधना जितने दिन की बताई गई है उतने दिन अवश्य साधना को संपन्न करें। कुछ साधकों के बीच में ऐसा लगता है कि साधना सफल हो गई है इसलिए साधना को बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कदापि न करें। साधना के प्रति पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। साधना के दौरान अपने मन पर और शरीर पर नियंत्रण रखें। साधना सामग्री मेनका अप्सरा मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधना सामग्री में मेनका यंत्र, मेनका माला, मेनका गुटिका, सिद्ध परफ्यूम, सिद्ध चीनी के दाने, तांत्रोक्त नारियल, मेनका श्रृंगार और मेनका आसन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। साधना के दौरान खुशबू आने का एहसास होता है। साधना के दौरान ऐसा लगता है कि कोई आसपास चल रहा है। इनकी साधना किसी भी शुक्रवार या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके साधना करें। रोज 21 माला जाप करें। इनकी साधना की अवधि 41 दिनों की होती है। साधना समय सूरज डूबने के बाद का होता है। मेनका साधना का मंत्र है, ओम मेनका प्रिय वशम करी हूँ नमः। ओम मेनका प्रिय वशम करी हूँ नमः। यह साधना सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। ये साधना आसान नहीं होती। आपकी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति की जरूरत होती है इस साधना को सफल करने के लिए। आशा है ये नियम आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।